हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू कोड क्रिल्स। सो गाइस, आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने डिवाइस के मैक एड्रेस को इजीली चेंज कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि हमें चेंज करके करना क्या है। तो जैसे कि आप अपनी एनोनिमिटी छुपाने के लिए अपने आईपी एड्रेस को चेंज करते हो वीपीएन के हेल्प से, टॉर के हेल्प से एंड जितने भी ऐसे प्रॉक्सीज वगैरह उनसे, तो ऐसे ही अपने एनोनिमिटी को और भी ज्यादा इन्हांस करने के लिए आप यहाँ पे अपने डिवाइस से जो मैक एड्रेस है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स होते हैं, जैसे मैक स्पूफिंग एंड ये सारे जो अटैक्स होते हैं ये नेटवर्क के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। एंड इसमें भी आपको अपनी जो मैक एड्रेस होती है, मैक आईपी होती है, उसको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे मैक एड्रेस अपने डिवाइस का इजिली चेंज कर सकते हो एक बहुत ही अमेजिंग टूल के हेल्प से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैक चेंजर टूल को अपने लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी अपना काली है, उबंटू है, कोई भी लिनक्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको उसमें यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो टर्मिनल है उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड सिंपली टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रूट यूज़र ले लेना है, उसके लिए कमांड डालना है sudo su देन एंटर, देन जो आपका पासवर्ड है काली का वो आपको यहाँ डाल देना है। आप यहाँ पे चाहो पैरट, उबंटू, ब्लैक आर्च, जितना भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी है वो भी आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड आपका जो मैक एड्रेस होगा वो इजीली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ कमांड डालना है apt अपडेट एंड एंटर। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बट आपको ये कमांड को यहाँ कंप्लीट होने देना है। देन आपको यहाँ कमांड डालना है apt अपग्रेड देन एंटर। मैं सेम कमांड ये भी कंप्लीटेड है, तो आपको यहाँ पे को इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, पॉज कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अगर इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोई भी एक ब्राउजर यूज़ करना है। यहाँ पे मैं ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ क्रोम, एंड क्रोम ब्राउजर यूज़ करना है। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है ऊपर github.com/codegrills। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सिंपली कोडग्रिल्स जिटहब भी सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पे आ जाओगे जिटहब के, एंड आपको यहाँ पे रिपॉजिटरीज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे रिपॉजिटरीज पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाएगा मैक चेंजर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप इसके जो जिटहब पेज है यहाँ पे आ जाओगे। देन आप यहाँ पे नीचे आगे देख सकते हो, ये जो टूल है ये कोडग्रिल्स टीम ने बनाया है, एंड जो ये टूल क्रिएटर है वो है सौरभ कुमार, जो कि यही टीम के एक मेंबर है, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग ऐसे और भी टूल्स वो बना रहे हैं, जो कि मैं आपको फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपनी वीडियोज़ के थ्रू। सो यहाँ पे अपने अगर नीचे देखो तो यहाँ पे इसके पूरी इंस्टॉलेशन दे रखी है, कैसे इस टूल को यूज़ करना है वो भी यहाँ पे दे रखा है। आप इसको यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से जो ऊपर लिंक है इसको यहाँ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो अपने टर्मिनल है यहाँ पे वापस आ जाना है। देन आपको यहाँ पे कमांड डालना है git clone, देन आपको यहाँ पे जो लिंक था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर क्लिक करोगे तो ये जो रिपॉजिटरी है ये आपके टर्मिनल में क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड एक बार ये क्लोन हो जाए, ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लोन हो चुका है। देन जैसे आप यहाँ पे ls कमांड डालोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रिपॉजिटरी आपको देखने को मिल जाएगी मैक चेंजर। आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन आपको यहाँ कमांड डालना है cd स्पेस एंड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है मैक चेंजर। देन आपको एंटर कर देना है। देन आप जैसे यहाँ ls कमांड डालोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैक स्पूफर, देन यहाँ पे आपको रेडमी का फाइल मिल जाएगा, देन आपको यहाँ पे requirements.txt भी मिल जाएगा। आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कमांड डालना है pip3 install -r then requirements.txt, आपको ये पूरा कमांड डाल देना है। देन आपको यहाँ एंटर कर देना है। जैसा आप ये कमांड डालोगे तो जितना भी इस टूल को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपके टर्मिनल लिनक्स में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इतने करने के बाद अगर आप यहाँ पे मैं आपको यहाँ क्लियर कर लेना है। ओके, क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे जब ls कमांड डालोगे तो आपको यहाँ पे अब ये वाली जो फाइल है maxpoofer.py, आपको ये वाली फाइल यहाँ पे रन करनी है। उसके लिए आपको यहाँ कमांड डालना है python3 then maxpoofer.py then
स्पेस माइनस एच। जैसे आप माइनस एच डालोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसके जितने भी हेल्प कमांड्स है, मीन्स आप कैसे इस कमांड को यूज कर सकते हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे इस टूल को वर्क पे ला सकते हो आप। देन अगर आप इसको टूल यूज करना चाहते हो उसको मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पे मैं अगर कमांड डालूँ आई एफ कॉन्फिग एंड एंटर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मैं वीएमवेयर में मेरा जो लिनक्स है वो इंस्टॉल है। देन यहाँ पे इसलिए मेरा यहाँ पे शो कर रहा है ETH 0, मीन्स ये जो मेरा इंटरफेस है वो अभी ETH 0 है। आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्टेड हो तो हो सकता है यहाँ पे आपका WLAN 0 दिखा रहा हो। यहाँ पे जो भी आपका इंटरफेस दिखा रहा है स्टार्टिंग में आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एंड आप यहाँ पे नीचे मेरा देख सकते हो यहाँ पे ईथर एंड यहाँ पे मेरा मैक एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये मेरा भी करंट जो मेरा मैक एड्रेस है ये है। अगर इसको अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड डालना है पाइथन 3 मैक स्पूफर डॉट पाय देन माइनस आई यहाँ पे इंटरफेस के लिए है। देन आपको यहाँ पे जो आपका इंटरफेस था जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि अभी मेरा था यहाँ पे आप देख सकते हो ETH 0, आपको यह यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे मैं जो ये सेमी कॉलन है इसको यहाँ हटा देता हूँ। देन आपको यहाँ पे स्पेस डालना है। देन इतना करने के बाद जो भी अब आपको यहाँ कमांड है माइनस एम मतलब यहाँ पे मैक एड्रेस, मीन्स अब आपको जो भी यहाँ पे आपका मैक एड्रेस रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। बट यहाँ पे जो मैक एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे 6 फॉर्मेट्स में डालने हैं, मीन्स 6 डिवाइड सेमी कॉलन के वे में डालने हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर यहाँ डालू 00 देन आपको यहाँ मैं सेमी कॉलन डालना है। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला सेमी कॉलन डालना है। देन 11 देन आपको फिर से यहाँ पे सेमी कॉलन डालना है। 22 देन यहाँ पे सेमी कॉलन 33 सेमी कॉलन 44 सेमी कॉलन 55। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको 6 बार डाला है, जैसे यहाँ 001 2 फिर 3 देन 4 देन 5, मीन्स ऐसे 6 यूनिट्स में डाला है। तो आपको भी यहाँ पे कोई भी आप चाहो तो अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हो, वहाँ पे अल्फाबेट भी इंक्लूड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके यहाँ पे 6 यूनिट्स पे होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा चेंजिंग मैक एड्रेस फॉर इतना। ओके, अब इस टूल के हिसाब से जो मेरा मैक एड्रेस है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अगर मुझे अभी चेक करना है कि मेरा ये मैक एड्रेस क्या है, यहाँ पे सिंपल मैं कमांड डालूंगा if config देन यहाँ पे एंटर। ओके गाइस, यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा मैक एड्रेस था जो अभी मैंने यहाँ डाला था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 01122334455। एंड अगर मैं आपको पहले जाके दिखाऊं, अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा मैक एड्रेस था 001A226969 55। ये मेरा पहले मैक एड्रेस था। एंड जब मैंने टूल को, ये टूल है मैक स्पूफर, तो जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना मैक एड्रेस को यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज कर लिया। सो गाइज, ऐसे आप भी अपने मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी अवेयर, बी सेफ एंड बाय बाय।